एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दक्षिण भारत में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। खबर सिकंदराबाद से है, वहां भी ट्रेन फूंक दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपके सामने, सिकंदराबाद से ये देखिए तस्वीरें सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रसाद भोसेकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, दिन भर ये हिंसा की तस्वीरें और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, इस वक्त तक क्या हालात नियंत्रण में हैं? राम, मैं दिखाना चाहूँगा कि आरपीएफ और जो रेलवे की पुलिस है, अभी जो भी प्रदर्शनकारी है उनको उठाने के जो है उनका प्रयास कर रही है। देखिए, एक के बाद एक जो प्रदर्शनकारी, जो सुबह से छात्र बैठे थे, लगभग 8 घंटे हो गए हैं और कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि अभी एक जो प्रदर्शनकारी है उसको लाया जा रहा है, वैसे एक एक करके यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को वहाँ से उठाया जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, ये सुबह से पिछले 8 घंटे से ऐसे कई जो है लोग, कई विद्यार्थी बैठे थे और अभी जाकर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो एक एक करके 8 घंटे लगभग हो गए हैं और जितने भी प्रदर्शनकारी आए थे अब उनको धीरे से निकाला जा रहा है। तो इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेन की आवाजाही, देख सकते हैं कि आप जिस प्रकार से एक के बाद एक को लाया जा रहा है, देखिए लाल शर्ट में ये प्रदर्शनकारी, सुबह से हम देख रहे थे इसको, आप देख सकते हैं वो जो है उसको लाया जा रहा है। अभी फिलहाल सभी जितने भी प्रदर्शनकारी अभी भी इकट्ठा है किसी जगह पर, प्रदर्शनकारी जिनको लाया जा रहा है। राम, तो ये तस्वीरें सिकंदराबाद तेलंगाना की, जहां पर प्रसाद भोसेकर लगातार बता रहे हैं कि अब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। प्रसाद, ये जरूर जानना चाहते हैं कि जरा आप ये बताइए कि ये प्रदर्शनकारी अभी कहीं इकट्ठा है जहां से इनको एक एक करके लाया जा रहा है, या छुपे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? जो सुबह से ट्रैक्स पर बैठे हैं, मैं आपको बता दूं राम की सुबह लगभग 9:30-10 बजे से ये पूरा जो मामला शुरू हुआ था और कई गाड़ियां, कई बोगियां, मैं आपको अभी भी दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि ये ट्रेन अभी भी उस बात की गवाह है कि कैसे एक एक करके जो है 10 प्लेटफॉर्म पूरे सिकंदराबाद में है और 10 प्लेटफॉर्म्स पर भी जितने भी ट्रेन थे, हालांकि कई दूसरे शहर से आए थे या फिर यहाँ से निकलने थे, सभी को जो है इन्होंने आग का निशाना बनाया। हालांकि कई पैसेंजर थे, उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी थे। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों ने कई सारों को बचाया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग अपना सामान छोड़ कर के भाग अपनी जान बचाने में लगे थे। तो फिलहाल 8 घंटे के बाद अभी ये कार्रवाई हमको देखने को मिल रही है और इस पूरी कार्रवाई में दिन भर एक व्यक्ति की फायरिंग में भी मौत हो गई है और 13 लोग जो है जख्मी हुए हैं। राम, बिल्कुल प्रसाद ये अपडेट लगातार दे रहे हैं, साथ साथ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और ये देखिए सिकंदराबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।